बरनउ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिमलो उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिउर लाए रघुपति किन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राज पद दिन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलो तारी मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम्हर रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई
और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो य सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर रामचंद्र प्रिय हो रघुवीर रामचंद्र प्रिय हो पवन सुत हनुमान प्रिय हो उमापति महादेव प्रिय हो बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। हरि ओम आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्विद देवानो यथ सदमिद बुधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमति रुजूयताम् देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सत्यमुपसेदिमा वयम् देवान् आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयम् भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रितम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतम् दिष्णायुवम् तमीशानम् जगतस्तस्तुषस्पतिम् धियम् जिन्वमवसे भूमहे वयम् उषा नूयत वेद साम सद्हृदे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु तुषदस्वा मरुत रुष्णी मातर शुभम यावानो विदते सुजग्मय अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विश्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूनि व्यसेम देवहितं यदायु शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषदायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षम् शान्ति पृथिवीशान्ति प्रापश्शान्ति रोषदयशान्ति वनस्पतयशान्ति विश्वे देवाशान्ति ब्रह्मशान्ति सर्वम् शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति देवायेव एवा यज्ञे एवा इन्द्रः एवा हि भूषण एवा हि देव पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ। जय श्री कृष्ण जय सियाराम।
परम आदरणीय संतगण और व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य बापू की अनुमति लेकर के अब मैं अपनी वाणी को पवित्र करने आगे जा रहा हूं। आज के इस अवसर पर सांदीपनी श्री हरि मंदिर पाठोत्सव 2013 पूज्य मुरारी बापू की राम कथा का हम लोग श्रवण करने आज से जाएंगे। आज यहाँ पर हम सब ने देखा, हम सब मनोभाव से साक्षी हुए। मुख्य मनोरथी परिवार श्रीमती दिव्याबेन अरुण भाई लोढ़िया, अरुषा और इनके साथ साथ श्रीमती कोकिलाबेन धीरूभाई अंबाणी और श्री अनिल भाई ने यहाँ पर भाव पूजन किया। इन्हीं के साथ साथ तापड़िया परिवार ने और संजय सूचक और सुरेखा जी ने भी भाव पूजन किया। आज यहां पर कृष्ण सखा सुदामा की भक्ति भूमि, महात्मा गांधी की जन्मभूमि, नानजी कालिदास जी की मातृभूमि और पूज्य बायश्री की कर्मभूमि पोरबंदर में एक दिव्य और भव्य उत्सव का मानो आरंभ होने जा रहा है। गुजरात ने 1663 किलोमीटर नो दरिया किनारो मळ्यो छे अने ए दरिया किनारे वसेला पोरबंदर नो माणस मायाळु मलक नो माणस छे। अहींनो माणस दरिया दिल छे, अहींनो माणस विशाळ दिल नो छे अने अहींनो माणस साहसी छे। एटले ज देश विदेश मां पोरबंदर ना लोकोए गुजरात नु नाम अने भारत नु नाम रोशन कर्युं छे। हरिमंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का विचार पूज्य बायश्री को 2006 में आया था, जब पूज्य बापू यहां पर पधारे थे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में। आज हम सबके लिए मानो वसंत का वैभव लेकर के आई है ये राम कथा। हमारे लिए कथा के आरंभ हेतु प्रणाम सह बिनती है परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर कार्ष्णी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज से। महाराज श्री, आपके कर कमलों से आप दीप प्रज्वलित कीजिए। मंचास्थित तमाम वंदनीय संतों से भी विनती है प्रणाम सह कि आप भी दीप प्रागट्य की इस पावन परंपरा में सम्मिलित होकर के अपनी भावना और शुभकामनाओं को जोड़े। आभारी है हम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर कार्ष्णी श्री श्री गुरु शरणानंद जी महाराज एवं सभी संतवर्यों के। जैसा कि हम सब जानते हैं, सांदीपनी विद्या निकेतन का सूत्र है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, और इसी सूत्र को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे
विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ पर अब वेद पाठ होगा। मैं निवेदन करूँगा इन विद्यार्थियों से जो आपके सामने यहाँ पर रखेंगे सस्वर हरि पंचायतन के पाठ।
આજકાલની નવી જનરેશન આપણે જોઈએ છીએ કે ફેસબુકને હંમેશા ફેસ કર્યા કરે છે, પણ આપણી સંસ્કૃતિના પુસ્તકોથી જેઓ દૂર થતા જઈ રહ્યા છે, એવી ક્ષણે આ બાળકો જ્યારે વેદ પાઠ કરે એનો આપણને સૌને આનંદ હોય મિત્રો. ઓર ઇસ નીવ કો સાંદીપની વિદ્યાનિકેતન કે માધ્યમ સે યહાં પર ડાલા પૂજ્ય બાયશીને પૂરે વિશ્વ મેં ધર્મ શ્રદ્ધા ઓર ભક્તિ કા એક અપના સંદેશ લેકર કે બાયશી ચલે, એસે હિ પૂજ્ય બાયશી સે આજ મેં વિનંતી કરતા હું સંતો કે સ્વાગત કે લીએ. સબસે પહેલે મેં પૂજ્ય બાયશી સે વિનંતી કરતા હું કે આપકે કર કમલો કે દ્વારા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહામંડલેશ્વર કાશ્મી શ્રી શ્રી ગુરુ શરણાનંદજી મહારાજ રમણ રેતી વૃંદાવન કા આપ સ્વાગત ઓર સન્માન કીજીએ. ઇનકે બાદ પૂજ્ય મહંત શ્રી દેવપ્રસાદજી મહારાજ આણદા બાબા સેવા સંસ્થાન જામનગર કા પૂજ્ય બાયશી સન્માન કરેંગે. પૂજ્ય સ્વામી શ્રી ભાસ્કરાનંદજી મહારાજ ગુરુ ગંગેશ્વર ધામ દિલ્હી કા પૂજ્ય બાયશી સન્માન કર રહે હૈ. આપકે બાદ પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી વિશ્વંભર ભારતીજી પૂજ્ય ભારતી બાપુ કા સન્માન કરેંગે પૂજ્ય ભાઈશ્રી. આપકી બાદ પૂજ્ય મહંત શ્રી ગણેશ દાસજી મહારાજ શ્રી સંતરામ મંદિર ઉમરેઠ કા સન્માન કરેંગે પૂજ્ય બાયશ્રી. દરમિયાન વ્યાસગાદીની સન્મુખ જે સંતો બેઠા છે એમનું સન્માન કરવા માટે મુખ્ય મનોરથી પરિવાર શ્રીમતી દિવ્યાબેન અરુણભાઈ લોઢિયાને વિનંતી છે કે આપ ત્યાં જઈ આ સંતો જે બિરાજમાન છે એમનું આપ ઉચિત સ્વાગત અને સન્માન કરશો.
आभार पूज्य भाईशी और संतगण, और नीचे जे संतो विराजमान छे व्यासगादी सन्मुख, एमना स्थान पर जईने मुख्य मनोरथी परिवार एमनु स्वागत अने सम्मान करी रह्यु छे। सांदीपनी विद्यानिकेतन नु सपनु जेमणे जोयुं अने आजे आ हरी मंदिरना आंगणे आ परिसरमां आपणे सौ बापूनी रामकथामां एकत्रित थया छीए, એ જેમનું સપનું હતું એવા પૂજ્ય ભાઈશ્રીને સાદર વિનંતી છે કે આપ આ ક્ષણે મંચાસ્થિત સૌ સંતગણ અને આપના પ્રતિ સ્વાગત ઉદ્બોધન કરે પૂજ્ય ભાઈશ્રી। श्री रामचंद्राय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। पूज्य बापू, पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजित अने मंच सम्मुख विराजित वंदनीय संत वृंद वाला संगीतकारों, सौ त्रिवेणीना अमारा कथाकारों अने आप सौ भाई बहनों, स्मरण हो रहा है जब सन 2006 में श्री हरि मंदिर महोत्सव हुआ था और इस दिव्य और भव्य देवालय में भगवान श्री हरि विराजित हुए। उस समय अनेकानेक संतों का इसी तरह यहां पर आगमन हुआ, उनका दर्शन और प्रवचन के द्वारा हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। पूज्य बापू भी पधारे थे और मुझे स्मरण है कि यहीं इसी स्थान में इसी मंच से कुछ भगवान ने जैसा प्रेरित किया और मैंने पूज्य बापू से प्रार्थना करी थी कि कभी बापू जब आप अनुमति देंगे, आप कृपा करेंगे, तब भगवान श्री हरि यहाँ राम कथा श्रवण करना चाहेंगे। स्वाभाविक रूप से उस महोत्सव के पश्चात 2-5 साल तो जाने ही थे, बीतने ही थे, और कुछ 2 वर्ष पूर्व मैंने फिर से पूज्य बापू के चरणों में वो प्रार्थना रखी और आज भगवान श्री हरि के सानिध्य में पूज्य बापू यहां तुलसी पीठ पर विराजमान है। पूज्य बापू, संपूर्ण परिसर आपका स्वागत करता है। बापू तो जब यहां से गुजरते भी हैं तो मैं हूं या न हूं, बापू यहां आ जाते हैं, श्री हरि को प्रणाम कर लेते हैं। मुझे बाद में समाचार मिलता है कि बापू आए थे, हरि मंदिर में दर्शन करके गए और उसी आत्मीयता के नाते, बापू के उसी प्रेम के नाते, और बहुत इच्छा थी। और 27 वर्ष के बाद पूज्य बापू की राम कथा आ रही है पोरबंदर में। पूरा विस्तार राम कथा के लिए बहुत उत्सुक है। महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि और कृष्ण सखा सुदामा की तपोभूमि या सुदामापुरी, सुदामा ने श्री कृष्ण को पकड़ा और महात्मा गांधी जी ने राम को, हर सांस के साथ राम स्मरण रहा और जीवन के अंतिम सांस तक गांधी बापू के मुख में श्री राम जी का नाम रहा। यहां श्री हरि मंदिर में
जब हम सब लोग दर्शन करते हैं तो इस सुदामापुरी के ये दोनों महापुरुष सुदामदेव और महात्मा गांधी, दोनों गृहस्थ और दोनों सपत्निक यहां पर विराजमान हैं श्री हरि मंदिर में। हम सब लोग जिस प्रकार परिकरों के साथ दर्शन करने आते हैं, कुछ वर्ष पूर्व गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा इन दोनों प्रतिमाओं का यहां पर अनावरण किया गया था और पूरा यह विस्तार जब कथा श्रवण के लिए उत्सुक है तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उत्सुकता हमारे सुदामदेव को और हमारे गांधी बापू को होगी कथा श्रवण की, और इसलिए यहां पर भी उन दोनों महापुरुषों को सपत्निक रखा गया है। पूज्य बापू और आप सभी संतों, वंदनीय महापुरुषों, वंदनीय हरिगुण गायकों और आप सभी भगवत कथा प्रेमी देश विदेश से जो पधारे हैं और हमारे इस विस्तार के, हमारे यहाँ के जो यजमान भाई बहन हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज, अभी वहाँ कुंभ चल रहा है और वसंत पंचमी का स्नान कल शाम को शाही स्नान इत्यादि संपन्न करके, और अभी वहाँ शिविर चालू ही है, लेकिन मैंने प्रार्थना करी थी तो आज दीप प्रागट्य के लिए और कल पाटोत्सव में भगवान श्री हरि का अभिषेक करने के लिए एक दिन के लिए भी आप श्रम लेकर के पधारे। पूज्य स्वामी भास्करानंद जी महाराज, आप आते रहते हैं और वेद भगवान आपने यहाँ पर पधराया है, तो जब नित्य संध्या आरती के पश्चात भगवान वेद नारायण की वंदना करते हैं तो स्वाभाविक रूप से संपूर्ण गुरु परंपरा का स्मरण होता है और वंदन होता है। पूज्य भारती बापू, पूज्य देव प्रसाद जी बापू अने संतराम मंदिरनी अखंड ज्योतिना आशीर्वाद लई अने पूज्य नारायण दास जी महाराजनू पण स्मरण करी लऊं, पूज्य राम महाराजनू स्मरण करी लऊं अने आप गणेश दास जी अने सौ संतराम मंदिरना संतो पधार्या छे, अमारा योगेश भाई, महादेव बापू अने आप सौ संतो ने खूब खूब हृदयपूर्वक प्रणाम करूँ छू। फरीथी एक वार सांदी पन्ना परिसर में आप सबनु स्वागत। जे कहीं सगवड़ करी छे एमां हाकड़ मुकड़ आपणे रहीने आनंद करवो छे, जे कहीं तकलीफ हशे तो एकाद बे दिवस में बधी दूर थई जशे, पण आपणे प्रेम थी हरिहर करवानुं छे अने पूज्य बापूना मुखेथी रामकथा सांभळवी छे। आप सबनु स्वागत, सौने जय श्री राम, सौने प्रणाम, वंदन। आभार पूज्य भाई श्री, जिनका सम्मान, क्योंकि यहाँ पर मंचास्थित तो संतगण है ही, हमारे सन्मुख भी बहुत सारे संतगण हैं जिनमें शास्त्री श्री हरिप्रकाश स्वामी श्री पोरबंदर, गोस्वामी 108 श्री वसंत कुमार महोदय श्री, परम पूज्य भागवत ऋषि सोला विद्यापीठ अहमदाबाद, पूज्य श्री योगेश भाई शास्त्री जी, पूज्य श्री लाभूभाई पुरोहित जी, पूज्य श्री महादेव बापू लालगिबी आश्रम अहमदाबाद, महंत श्री शिवराम साहेब कबीर आश्रम मोरबी और परमात्मानंद जी राणावाब आश्रम एवं कृष्णदास जी एवं संतराम परिवार के यहाँ पर संतगण पधारे हैं, इनका भी तहे दिल से स्वागत है। सेवा और धर्म को जिन्होंने हमेशा परंपरा से, सदियों से, सालों से अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन में साथ साथ रखा, ऐसे कई धर्मगुरु संतों में से एक है आज हमारे बीच पूज्य देवी प्रसाद बापू। तो मैं सादर निवेदित करता हूँ पूज्य देवी प्रसाद जी बापू से कि आज के समारोह में प्रसंग उचित अपना वक्तव्य देने के लिए पूज्य देव प्रसाद बापू, आणदा बाबा सेवा संस्थान जामनगर। पूज्य बापू श्री, पूज्य भाई श्री,
परम सहदेव पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज, मंचस्थ महानुभाव, आप सब भाई बहनों ने माताओं, पूज्य भाई जे कहूं ते प्रमाण एक ज दोहो एवो छे जेनो आ फल छे। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ, श्री कृष्ण भये रघुनाथ। जय श्री कृष्ण। आभार पूज्य देव प्रसाद बापू। अने हवे और अब मैं सादर निवेदित करने जा रहा हूं परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर काशनी श्री गुरु शरणानंद जी से। मैं सादर विनती करता हूं आपसे कि कथा के आरंभ पर आशीर्वाद की दिव्य वाकधारा आप हम सब पर बरसाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। इस शरीर का जो भी वक्तव्य हो सकता है वो आप लोगों के अत्यंत प्रिय कीर्तन में सन्निहित है। पूज्य बापू की कथा मत वर्षण के पूर्व आओ हम लोग संवेद होकर के उसका कीर्तन कर लें। जिसका मन हो वो करना, जिसका कम मन हो वो थोड़ा धीरे से करना, और जिसका मन हो बिल्कुल नहीं करना छुट्टी छे। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। वाह, एटलू प्रेम, आनंद थी गया। शाबाश शाबाश मारा वाला। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम है अवध। ठाकुर हमरे श्री हरि प्यारे, हम है श्री हरि प्यारे के। ठाकुर हमरे श्री हरि प्यारे, हम है श्री हरि। ठाकुर हमरे भोले बाबा, हम है भोले बाबा के। ठाकुर हमरे भोले बाबा, हम है भोले तारानी, हम है माता रानी के। ठाकुर हमरे बापू डार्लिंग, हम है
संतो हम है बद्दा संतों के चलो चाल से माफ कर दो साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के श्री रमण बिहारी लाल की बद्दाने जय श्री कृष्ण कुछ बोलना है बस हमने बोल दिया जो बोलना था थैंक यू पूज्य महाराज श्री का आभार और मंचासीत सभी संतवर्य से अब मैं प्रणाम सह निवेदन करता हूं। आप अगर यहां बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं और सामने अगर जाएं तो जी વસંતનો વૈભવ ચારે દિશામાં પ્રસર્યો છે। રમેશ પારેખે ક્યાંક એવું કહ્યું છે કે એક ચમચી જ જીભ હતો ને ભરતીઓ ચડી, શી રીતે કોને ખબર ક્યાંક વસંત ગઈ અડી। વસંત એટલે ટહુકાને જીલવાનો ઉત્સવ, વસંત એટલે કૂંપણ ફૂટવાનો ઉત્સવ, અને વસંત એટલે આપણી અંદર રહેલા પ્રેમને આંબાને મોર આવવાનો ઉત્સવ। આ અર્થમાં પૂજ્ય બાપુ સત્ય પ્રેમ અને કરુણાનો ભાવ શ્રોતાઓમાં અનુભૂત થાય એ દિશામાં કથાના માધ્યમથી સતત આપણા સુધી પહોંચી રહ્યા છે, ત્યારે સામેના માણસની વાતમાં રહેલા સત્યના ટહુકાને આપણે જીલી શકીએ અને કોઈની શિખરે પહોંચવાની સિદ્ધિઓને જોઈને આપણા મનમાં પણ મોર આવે, આનંદની મોજ આવે, અને કોઈનું દુઃખ જોઈને આપણી અંદર પણ સમવેદનાના કૂંપણ ફૂટે એ દિશામાં આ રામકથા આપણા સૌ માટે વસંતનો વૈભવ બની રહે એ જ પ્રાર્થના સાથે પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં પ્રાર્થના કે આપણને સૌને તુલસીકૃત શ્રી રામચરિત માનસની ભાવભૂમિ પર પહોંચાડે।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रिय हो। Thank you.
बाप। काफी समय बीत गया, इतने सालों के बाद पुनः एक बार सुदामापुरी पोरबंदर की भूमि में राम कथा का अवसर आया है। मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। इस सांदीपनी धाम में होने जा रही इस राम कथा के मंगल प्रारंभ में जिसकी आशीर्वादक उपस्थिति है, ऐसे हमारे परम पूज्य रमण रीति से पधारे पूज्य महाराज श्री जिसके कारण एक कथा का आयोजन हुआ, पूज्य भाई श्री मेरे सभी पूज्य चरण संतगण इस कथा के प्रधान मनोरथी परिवार विविध क्षेत्र से देश विदेश से आए हुए सभी आदरणीय महानुभाव और यहाँ सामने बैठकर कथा सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहन और पूरे संसार में विज्ञान के जरिए इस कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं सभी श्रोता भाई बहन और अन्य सभी को व्यासपीठ से मैं मुरारी बापू प्रणाम करता हूं। ये भूमि अपने आप में महान है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो जहाँ तक संभव हो पहले जहाँ पूज्य विश्ववंद्य गांधी बापू का जन्म हुआ इस स्थान में प्रणाम करने जाता हूँ। तत्पश्चात सुदामापुरी यानी सुदामा मंदिर वहाँ जाकर प्रणाम करता हूँ। फिर यहाँ भी आ जाता हूँ प्रणाम करने के लिए। मैंने शायद यहाँ कभी कहा था, मेरी स्मृति में है कि इस भूमि पर तीन मंदिर हैं।
एक तो कीर्ति मंदिर, जिसको हम कह सकते हैं सत्यम, जहां गांधी बापू का जन्म हुआ और जिस महापुरुष ने सत्य और अहिंसा का केवल वचनात्मक नहीं पर लेकिन रचनात्मक प्रयोग किया, वो मेरी दृष्टि है कीर्ति मंदिर तो है ही, लेकिन वो सत्यम है। उसके बाद सुदामा जी का मंदिर, कृष्ण सखा सुदाम, उसको मैं शिवम मंदिर कहता हूँ, और यहाँ का हरि मंदिर ये सुंदरम मंदिर है। ये है सत्यम शिवम सुंदरम, एक ही जगह पर ये सूत्र सार्थक दिखता है। सत्यम शिवम और ये हरि मंदिर सुंदरम है अवश्य। मैं सोच रहा था कि मैं इस राम कथा को, यहाँ की राम कथा को किस विषय पर केंद्रित करूं। मुझे शायद कल या परसों पूछा गया, फुलछाप अखबार की ऑफिस से हमारे स्नेही कौशिक भाई ने पूछा कि बापू, पूज्य भाई श्री के वहाँ कथा होने जा रही है, तो आपने कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई थीम पसंद की है? मैंने कहा अभी तक तो कुछ जा रहा हूँ वो खबर है, और ये भी खबर है कि राम कथा के लिए जा रहा हूँ और प्रसन्नता से जा रहा हूँ। तो कौन विषय लोगे? मैंने कहा खबर नहीं फिर मेरे मन में आया कि हरि मंदिर का पाठोत्सव प्रसंग है, क्यों न मैं इस कथा को मानस हरि मंदिर न कहो। मेरी इस राम कथा का केंद्र बिंदु होगा, प्रधान विषय रहेगा मानस के आधार पर, मानस हरि मंदिर। वैसे तो रामचरितमानस में 11 मंदिर है, कुल मिलाकर 11 मंदिर। अभी हमारे पास 8 दिन है, एक एक दिन एक एक मंदिर में प्रवेश करेंगे, अथवा तो जब जो प्रवाह चले मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मानस हरि मंदिर प्रधान विषय रहेगा और हम राम कथा गाएंगे। प्रश्न ये भी आया कि कथा हिंदी में कही जाए कि गुजराती में। मेरी बात भी हुई थी तो
भाई श्री ने भी ऐसा कहा कि बापू शायद पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे, सब सुनेंगे, तो हिंदी में, बाकी तो मेरे पर छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ शुरुआत हिंदी में हुई। तो महाजनो ये नगत सपन था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मेरी टूटी फूटी हिंदी में मैं भी गाऊंगा। लेकिन एक बात कह दूं, इसके बाद की जो कथा है पीपा वाव की, वो शुद्ध गुजराती में करूं, शुद्ध मानी ठेठ की गुजराती में करूं, ताकि मेरे गुजराती श्रोता भाई बहन नाराज न हो। वैसे हिंदी तो सब समझते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में कथा कहने गया तो मैंने हिंदी में शुरू कर दिया, फिर आयोजक और दूसरे दिन मुझे कह तो न सके, लेकिन अंदर 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 जरा गुजराती में रखे तो ठीक, ये ऐसा चलता था। और मैंने डेढ़ दिन जांच की और फिर प्रमुख महोदय ने विनती भी की कि बापू गुजराती में, मैंने कहा आप लोग घर में गुजराती बोलते हो, बोल रही तो मुझ पर दबाव क्यों डालते, आपको गुजराती अपने घर में बोलना चाहिए, चाहे हिंदुस्तान से कितने ही दूर हो, खुद को गुजराती बोलना नहीं है। और मुझे फिर तो वो मान गए, क्योंकि वो कोई गुजराती नहीं बोलते, गुजराती होते हुए भाषा ने शू वड़गे भूत, बाप सवाल भाव का है और भाव समझने में कोई भाषा बाधक नहीं बनती, इसीलिए हम ये कथा हिंदी में कहेंगे, बीच बीच में अपना जो मूल होता है वो तो आ ही जाएगा, लेकिन ये विस्तार भीड़ विस्तार जो है पूरा, मुझे उसके भाई बहनों का जरा हो रहा है कि एक तो इतने साल के बाद बापो आयो और हिंदी में शुरू किया, लेकिन राम कथा से आप परिचित हैं, प्रसंगों से परिचित हैं, पात्रों से परिचित हैं, मानस की चौपाइयों से भी आप परिचित हैं, इसलिए मैं नहीं मानता कि आपको ज्यादा कठिनाई हो। मैं अक्सर हिंदी और अंग्रेजी में, अरे सॉरी, हिंदी और गुजराती में कथा कहने की बात आती है तो लोक मत लेता हूँ, श्रोता मत लेता हूँ कि भाई किस बोली में मैं कथा कहूँ। तो एक दो बार ये प्रयोग किया लोकशाही के अनुकूल, लेकिन उसमें बहुत कुछ लोग कहे नहीं ये, कुछ लोग कहे ये, इसलिए मैंने यहाँ निर्णय किया कि मत लेना ही नहीं है। आप समझ पाएंगे, ऐसी कोई कठिन अपनी हिंदी तो होती नहीं, अपनी हिंदी भी गुजराती जैसी ही होती है। तो मानस हरि मंदिर, रामचरितमानस के सातों सोपान में मंदिर शब्द का तुलसी ने
बिलक बिलक संदर्भ में सदुपयोग किया है। एक अरण्य कांड छोड़कर मैं सोचता रहता हूं कि तुलसी ने मंदिर शब्द का प्रयोग एक कांड यानी अरण्य कांड में क्यों नहीं किया। बाल में आपको बहुत मिलेगा अयोध्या में, किष्किंधा में, सुंदर में, लंका में, उत्तर में मिलेगा, लेकिन अरण्य कांड में नहीं है। शायद अरण्य कांड में यानी जंगल है, वहां स्पष्ट रूप में मंदिर शब्द का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं मेरे मन को समझाने के लिए फिर समाधान लेता हूं कि जंगल में तो वृक्ष होते हैं, नदियां बहती हैं, खुली हवाएं हैं, आसमां भी ठीक से दिखता है, पक्षी भी ज्यादा मात्रा में होते हैं, पूरी प्रकृति बरसती रहती है, तो वहां शायद स्थूल रूप में मंदिर न हो तो भी अरण्य कांड स्वयं अपने आप में मंदिर है। ऐसा मैं मेरे लिए समाधान प्राप्त करता हूं। तो कई बार वैसे मंदिर शब्द का प्रयोग मानस में हुआ है, लेकिन हरि मंदिर शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और एक ही हो सकता है। हां, मानस के उत्तरकांड में आपको एक दूसरा शब्द मिलेगा, हर मंदिर। एक बार हर मंदिर जपत रहु शिव नाम, गुरु आए वो अभिमान ते उठी नहीं किन प्रणाम। जिस घटना के कारण रुद्राष्टक का जन्म हुआ, ये घटना न घटती तो हमें रुद्राष्टक न मिलता, और रुद्राष्टक न मिलता तो व्यक्तिगत रूप में मेरे जैसे का क्या होता। याद कर ले दो चार बंद। Oh,
कबीर शब्द है मानस में। कुल 11 मंदिर है, मैं उसकी आए दिन संवादी सूर में आपके साथ बातचीत करता हुआ उसकी चर्चा करूंगा। आप जानते हैं मेरे वक्तव्य को कि मैं, मेरे पास कोई आदेश नहीं है, औकात भी नहीं है। संदेश भी हम क्या दे पाए, उपदेश का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं मेरे श्रोताओं से संवाद करता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, और इसलिए मैं राम कथा को ज्ञान यज्ञ भी नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान यज्ञ बीच में गुजराती में कहूँ आपू गजू नहीं, कहत कठिन, साधन कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक बहुत कृपाण के धारा। मैं राम कथा को प्रेम यज्ञ कहता हूँ। आज से भगवत कृपा से हरि मंदिर के प्रांगण में ये केवल धर्म अनुष्ठान नहीं है, ये अर्थ अनुष्ठान भी नहीं है, ये काम अनुष्ठान भी नहीं है, ये मोक्ष अनुष्ठान भी नहीं है, ये नवदिवसीय प्रेम अनुष्ठान है। तो हम सब 9 दिन मिलकर के आनंद करें। तो मुख्य प्रसंग रहेगा मानस हरि मंदिर। बाबा जी ठीक है, अनुकूल है, इसीलिए मंदिर में 7 वस्तु होती है। मेरी जिम्मेवारी से, मेरे मत से आपको कबूल होने की जरूरत नहीं है, आप सुनो वो भी बहुत अनुग्रह है, वरना आज कौन किसको सुनता है। ये तो धन्य है भारत की व्यासपीठ जो गुरु कृपा और ईश्वर कृपा और संतों के अनुग्रह से हमें उसकी गोद में बैठने का अवसर मिल गया। केवल लोग व्यासपीठ को सुनते हैं, बाकी कोई किसी को सुनता नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारा क्या अनुभव है? कितने प्रकार के रिश्ते से हम जुड़े हुए हैं अपने अपने गृहस्थ जीवन में, लेकिन ठीक से कौन सुनता है? राज व्यासपीठ के सामने विश्व की युवानी सुनने बैठ जाती है। 21वीं सदी का ये सगुण है, ये शुभ संकेत है, ये अच्छी निशानी है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि पूरी दुनिया दुखालयम है, ईश्वर ने ये सब बनाया। मैंने कहा ईश्वर ने बनाया, मैंने आपने तो नहीं बनाया। तो परमात्मा ने इतना दुख क्यों डाला? मैंने एक भाई से अभी मेरी चर्चा में, मुंबई से राजकोट आ रहा था 2-3 दिन पहले, सायंकाल की फ्लाइट थी, तो मैं चुपचाप बैठा था, थका भी था, तो मैं, मेरी माला और मैं, तो खिड़की से रात्रि का समय था, तो बस देखते देखते मेरे पास एक भाई बैठे थे, वो बहुत उत्सुक नजर आए।
बार बार मेरे सामने देखे, फिर इधर देखे, मैं तो खिड़की के, फिर बार बार मैं थोड़ी देर के बाद देखूँ तो मुझे लगा कि उसको कुछ बात करनी है और अब मैं मौका नहीं दूंगा तो शायद वो सोचेंगे कि बड़े अहंकारी है, क्या है क्या है। तो मैंने कहा आप कुछ कहना चाहते हैं, क्षमा करें। मैं तो बोले हाँ, सीधा प्रश्न किया, आपने ईश्वर दर्शन किया है? अभी फ्लाइट लैंड होने में आध घंटा बाकी था। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं हुए। जिस रूप में ईश्वर की हम कल्पना करते हैं, मुझे नहीं। तो फिर क्या? फिर उसने बड़े आदर के साथ, मैंने कहा खिड़की से देखो, दूज का चांद दिखता है, आध घंटे से मैं देख रहा हूँ, फ्लाइट के साथ साथ चांद नजर आ रहा है, इसका दर्शन कर लो ना, ईश्वर की छोड़ो, ये दर्शन करो, ये परमात्मा है, ये आसमा परमात्मा। तो वो तो बोले ठीक है, लेकिन अब दुनिया में सब दुख ही दुख है, क्या करें। मैंने कहा आप सुखी हैं? बोले मैं तो बहुत सुखी हूँ। तो दुखियों के लिए कुछ करो, प्रश्न क्यों करते हो? बस इतना ही करो ना, किसने बनाया, न दुख है, न फला है, न ये है, न इसमें क्यों समय बिता रहे हो, भगवान के लिए कुछ करो। तो बोले मैं नेत्र यज्ञ बहुत करवाता हूँ। मैंने कहा आपको प्रणाम, बात कर। प्लेन उतर गए। बाप इस तरह के समाज में ऐसी स्वाभाविक है ये सब, लेकिन ऐसे समय में भी विश्व की युवानी भगवत चर्चा सुनती है, ये सगुण है, ये अच्छी निशानी है। मैं कई बार बोला हूं कि शुरू शुरू में समाज के कोई काम के नहीं होते, वो सब हमारे पास होते थे कथाओं में। अब जिसके कंधे पर पूरे जगत का आधार है, ऐसी जुआनी कथा सुन रही है, ये भगवत कृपा नहीं तो क्या है? तो आज कौन किसको सुनता है? ऐसी स्थिति में आप सुनो वो भी बहुत, ये भी धन्यवाद। तो जहां मंदिर वहां सात वस्तु करीब करीब अनिवार्य रूपेण होती है, न हो तो होनी चाहिए, ऐसा मेरा विनम्र निज मत है, आपको कबूल होने की। और मैं सब राम कथा के आधार पर ही, मेरा बल ये है, कहीं न कहीं मुझे यहां से बल प्राप्त होता है। और सीधा साधा रूप आप मंदिर का देखिए तो हम देखते हैं कि मंदिर में शिखर होता है, शिखर बंद मंदिर बहुधा होते हैं, और कोई देवस्थान में शिखर नहीं होते तो उसको हम दूसरा नाम देते हैं। लेकिन मंदिर जहां होता है करीब करीब, भगवत मंदिर की चर्चा जब होती है तब शिखर होता है एक। दूसरा शिखर है तो ध्वजा भी है, ध्वजा होती है। ये तो हुई ऊपर की बात जो पहली दृष्टि से दिखे, कि जैसे प्लेन पोरबंदर के आसपास राउंड ले तो सीधा हरि मंदिर का शिखर दिखता है, हरि मंदिर की ध्वजा फहरती दिखाई देती है। तो जो ऊपर वाली बात स्वाभाविक पहले दृष्टिगोचर होती है, तो वहीं से शुरू कर रहा हूं कि जहां मंदिर है वहां शिखर होना
अनिवार्य है एक अर्थ में, और शिखर है तो ध्वजा होगी, ध्वज है। और फिर निकट जाएं, धीरे धीरे गर्भगृह में जाएं, तो जहां मंदिर है वहां मूर्ति होगी, कोई भी देव। यहां तो माताजी विराजमान है, राम पंचायतन है, लक्ष्मी नारायण भगवान विराज रहे, ठाकुर जी विराज रहे, राधे कृष्ण भोले बाबा है, हनुमान जी तो होता ही है, और गणेश जी। तो मूर्ति होती है। फिर एक चौथी वस्तु अनिवार्य हो जाती है, पुजारी होता है। पुजारी होना चाहिए। और इस संस्था ने यहां संस्कृत पढ़ा पढ़ा करके दुनिया के देशों में मंदिरों में जहाँ पुजारी नहीं मिलते थे वहाँ बहुत पुजारी दिए हैं, इसकी मुझे खुशी है। मैं कई देश, कोई मंदिर विदेश में जाऊँ और कोई दर्शन करने जाऊँ तो तुरंत कहे मैं तपस्वी ऋषि दादा के भागवत विद्यापीठ से आया हूँ, या तो संदीपनी से आया हूँ, जहाँ मंदिर होगा वहाँ पुजारी होंगे, और जहां पुजारी होगा तो फिर आरती तो होगी ही होगी। फिर आरती में नृत्य आ जाता है, वादन आ जाता है, गायन सब आरती में सम्मिलित है मेरी समझ में, ये भी आ जाता है, पूजा आरती होती है। मंदिर होगी वहां प्रसाद होगा अनिवार्य रूपेण, प्रसाद वहां होगा, ये भी एक अगत्य का अंग है। और जहां मंदिर है वहां शिखर है, ध्वजा है, मूर्ति है, पुजारी है, पूजा पाठ है, आरती आदि सब है, प्रसाद है, और मानवता का विचार होगा, सार्वभौम विचार। मानवता का विचार होगा, मानवीय भाव होगा, ऐसा रामचरितमानस स्वयं एक हरि मंदिर है। तुलसीदास जी ने इस शास्त्र का नामकरण तो शंकर जी ने रामचरितमानस यही नामा, आप जानते हैं उसको रामचरितमानस कहते हैं, लेकिन आप रामचरितमानस का स्वाध्याय करते हैं, पारायण करते हैं, आपको पता है कि गोस्वामी जी ने कोई संकीर्ण भाव ना आ जाए इसलिए एक बार ऐसा भी कह दिया, हरिचरित मानस तुम का, हरिचरित मानस है ये, हरिचरित है। तो सात वस्तु मंदिर में आवश्यक है, देव मंदिर में। रामचरितमानस स्वयं एक हरि मंदिर है मेरी समझ में, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, बड़ी प्रसन्नता से मैं कह सकता हूं, प्रमाण के साथ कह सकता हूं, जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, ये हरि मंदिर है। फर्क इतना है कि हमारे तीर्थों के मंदिर एक जगह स्थावर है, एक जगह स्थित है। शास्त्र एक ऐसा हरि मंदिर है जो जंगम हरि मंदिर है, जो हमारे संग संग चलता है। तो रामचरितमानस
मंदिर हरि मंदिर का शिखर कौन, उसकी ध्वजा क्या, उसकी प्रधान मूर्ति कौन, गर्भगृह का प्रधान देवता कौन है और आरती कौन है, पूजा पाठ कौन है, क्या है, प्रसाद कौन सा वितरित हो रहा है, दहयंति नव मानवा, कौन से मानववाद की चर्चा मानस कर रहा है, मंदिर में भगवान की मूर्ति मुस्कुराती होनी चाहिए और दर्शनार्थी रोता हुआ होना चाहिए, आज मूर्तियां रो रही है और गुजराती साहित्य का एक बुजुर्ग साहित्यकार अब नहीं रहे, आपने कभी कहा था ते दिन आंसू भीना रे हरी ना लोचनिया में दीठा, हरी मुस्कुराए हम जाएं और गदगद हो जाएं, ये है हरि मंदिर का लक्षण। एक उर्दू का शेर कहूं, यूं अशकों को बहने से रोका मैंने, यूं अशकों को बहने से रोका मैंने, मैं चाहता था कि मेरी तरह उसे भी दीदार हो जाए, मैं चाहता था, आंखें तो दीदार करती हैं ठाकुर की, लेकिन मैंने आंसू को बहने दिए कि तू भी दर्शन कर ले, यूं अशकों को बहने से रोका मैंने, मैं चाहता था मेरी तरह उसको भी दीदार। राज कौशिक का शेर है, जिस मंदिर में ठाकुर मुस्कुराता हो और दर्शन की आंखें दर्शक की आंखें डबडबा जाए वो हरि मंदिर है, ये हरि मंदिर की परिभाषा है, जहां एक विशिष्ट प्रकार का शिखर हो, ध्वज हो, गर्भगृह हो, मनोहर मूर्ति हो, विनयशील पुजारी हो, पूजा आरती न अतिरेक न संक्षिप्त देशानुकाल हो, प्रसाद वितरित हो और मानवता बरकरार हो, इस तरह की जो कुछ बातें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मानस में गुरु कृपा से जो दिखती है, सो मैं आपके साथ संवाद करूंगा। चिंता मत करिएगा कि बापू ने कैसा विषय उठाया, खबर नहीं 9 दिन क्या होगा, तो बाप मानस हरि मंदिर एक केंद्रीय विचार है इस राम कथा का और उसकी पंक्ति आप सब जान गए, आप सब रामचरितमानस अपनी झोली में रख कर घूमते रहते हैं और यहाँ तो रामचरितमानस का अनुष्ठान होता ही रहता है, आप सब जान गए कि ये दोनों पंक्तियाँ
मैंने किस कांड से उठाई है और क्रम में ली है। मंदिर मंदिर प्रतिकारी सो प्रतिकारी भवन कांड अंतर्गत मानस के पांचवे सोपान के अंतर्गत आप जानते हैं, मैं तो केवल ऐसे ही ये दो चौपाई जो है, एक चौपाई है, दो पंक्तियां हैं मंत्रात्मक, मेरी दृष्टि में सूत्रात्मक, उसको लिए हुए मैं आपके साथ नौ दिन बात करता रहूंगा। यह भूमिका विषय की और बाप इस सात सोपान का शास्त्र आप जानते हैं, सात सोपान है इसमें, और प्रथम सोपान बालकांड जिसके मंगलाचरण में गोस्वामी जी मंत्रों से शुरू करते हैं, एक दो मंत्रों का उच्चार हम कर लें। वर्णानाम अर्थ संधारम् रसानां छंदसां मंगलानां च कर्तारं वंदे वाणी विनायकं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी यज्ञ विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थली वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपी यमाश्रितो वक्रो चंद्र सर्वत्र वन
सात मंत्रों में आप जानते हैं मंगलाचरण है, और आखिरी मंत्र में एक उद्देश्य भी रखा है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा मति मंजुल स्वांतः सुखाय। गोस्वामी जी कहते हैं इस सात मंत्रों के बारे में राम कथा के मर्मज्ञों ने, विद्वानों ने, उपासकों ने बहुत से अर्थ निकाले हैं। अवकाश अभाव उसमें न जाए, कई बार कही भी गई है बातें। फिर श्लोक को लोक तक उतारना था, सामान्य से सामान्य जन भी इस परम सदग्रंथ को, उस पावनी कथा को पहचान सके, इसलिए वो स्वामी जी एकदम लोक बोली में उतर आते हैं। एक करुणा है एक साधु की, करुणा है एक संत की, तो लोक बोली में, लोक भाषा में आए। और आप जानते हैं पांच सौरठे में पंचदेव की स्मृति की गई। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबल लगन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण मूक होई बाचा पंगु चढ़े गिरिबल जा सुकृपा सुहया द्रव सकल कलिमल नील सरोष्याम तरुण अरुण बारिक नयन कर विष्णु, सूर्यदेव, भगवान भोले बाबा और दुर्गा मां, पंचदेवों की जो बातें हमारे जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रस्थापित की, इसका निर्वहन किया, क्योंकि संवाद का शास्त्र है, ये सेतु बंध का शास्त्र है। जगतगुरु का विचार पहले ही रख दिया गया, कोई आपत्ति नहीं थी तुलसी को। तो पंचदेवों का स्मरण किया है और फिर गुरु वंदना से इस शास्त्र का आरंभ होता है। पहला प्रकरण रामचरितमानस का गुरु वंदना है। मेरी व्यासपीठ जिसको मानस गुरु गीता कहती है, आइए कुछ पंक्तियों का गायन करके हम अपने अपने गुरु का स्मरण कर लें।
मानस की ये गुरु वंदना है, आप जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु की चरण रज से मेरे नेत्रों को पवित्र करके मैं राम कथा वर्णन करने जा रहा हूँ। ये पक्ष बड़ा प्यारा लगता है, पहले नयन शुद्ध हो फिर बयन बोले जाए। वर्णव रामचरित भव मोचन, नैन ने ठीक कर्या पसी वेण काढ़वा। अब गुजराती अर्थानो थाय। तुलसी ने ये बात रखी, तो एक गुरु वंदना है। अब गुरु के बारे में बहुत सी चर्चाएं दुनिया में चलती रहती है कि गुरु जरूरी है कि नहीं, आदि आदि छोड़ो। मैं व्यक्तिगत रूप में कहूँ तो मुझे तो गुरु की बहुत जरूरत होती है। गुरु को बिलक बिलक विचारधारा ने पांच रूप में देखा है। कोई गुरु को मार्ग मानते हैं, गुरु मार्ग है। हीरे मार्ग मारे जोवा, कबीर के हीरे मार्ग मारे जोवा। अच्छा विचार है, उसको ठीक संदर्भ में। गुरु मार्ग है हम जैसों का, चलना हमको पड़ता है। गुरु है राज मार्ग। कई लोग गुरु को मार्ग बिलक बिलक भाव में, इसका विस्तार अभी न करूं। कई लोग गुरु को मार्ग नहीं समझते, मंजिल समझते। ये भाव भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल। गुरु मंजिल है, गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है, ये भी ठीक है। कई लोग गुरु को साधन मानते हैं, शुभ आशय से गुरु को साधन बनाया जाए तो चिंता नहीं। इस विचार पर विचार किया जा सकता है कि गुरु हमारा साधन है, गुरु के माध्यम से हम पहुंचते हैं, ये हो सकता है। लेकिन गुरु का दूसरे अर्थ में गुरु को साधन नहीं बनाना चाहिए, इससे सावधान रहना चाहिए कि गुरु को हम कहीं और अर्थों में साधन न बना दें। तो इस रूप में भी गुरु के प्रति उसका दर्शन किया गया। और गुरु
को साध्य भी माना है, जैसे मंजिल गुरु साध्य है। और गुरु उपाय भी है, एक दर्शन में गुरु उपाय, गुरु उपाय, गुरु ही उपाय है। हम जैसो कर सदगुरु, मानस में चार बार सदगुरु शब्द का प्रयोग हुआ है, गुरु ही उपाय है। तो कई अर्थों में गुरु का दर्शन हम करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए। तो जहां तक व्यक्तिगत और कुछ विचार धारा को छोड़कर गुरु महिमा सबने कबूल की है, गुरु चाहिए। चलो आप उसको मार्गदर्शक को जो कहना हो, बाकी गुरु शब्द बड़ा 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 नास्ति तत्त्वम गुरु, इससे बड़ा कोई तत्व नहीं है गुरु। हम पहचान नहीं पाते इसलिए खबर नहीं, कोई कुछ कहते कोई कुछ कहते, गुरुओं के बारे में लोग बोलते रहते। लेकिन जिस अर्थ में गुरु की महिमा का गायन है, अद्भुत है। गुरु तारो ए गुरु तारो आए बारे में बहुत बात करें तो लोग व्यक्ति पूजा समझने लगते हैं सारे। लेकिन मैं गुरु शब्द जिस अर्थ में हमारे यहां पुकारा गया, उसी अर्थ में जिस ऊंचाई से उसको पुकारा गया, उसी अर्थ में साहब तुम्हारे कुछ नियम हो कि सुबह ये करना, दोपहर ये करना, इतना जप करना, इतना पारायण करना, ये करना, ये करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। लेकिन कभी न हुआ हो ना, तो किसी बुद्ध पुरुषों का दर्शन करो, उसी दिन सब क्रिया पूरी हो जाती। ये महिमा, ये अतिशयोक्ति है कि नहीं, मैं उसको पूर्ण रूप से मानता हूँ। कोई ऐसी समाधि का दर्शन कर लो, तुम्हारा नित्य कर्म पूरा। लेकिन एक शर्त शब्द भी मुझे व्यासपीठ से बहुत बोलना अच्छा नहीं लगता, क्यों शर्त लगाई जाए? सबकी निजता बरकरार रखें, शर्त नहीं, लेकिन निष्ठा एक हो। प्रतिष्ठा के लिए हम इधर उधर भटकते ना हो, ये बहुत आवश्यक। अंतर्बाह्य यदि निष्ठा ठीक नहीं, तो अनुभव तो होंगे क्योंकि कोई ना कोई मिला है, अनुभूति नहीं होगी।
पर ध्यान देना, अनुभव सदैव बाहर से होता है। हम वहां जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, बहुत खराब अनुभव हुआ, हम जा रहे वहां ऐसा हो रहा है। अनुभव सदैव बाहर को छूता है, अनुभूति सदैव भीतर को छूती है। अवश्य अनुभव एक सोपान हो सकता है जहां से अनुभूति तक गति हो, लेकिन जरूरत तो होती है अनुभूति की। ये अनुभूति साधक को होती है निष्ठा। हम संसारी हैं, हमारी निष्ठा भी होती है। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों का भजन कम हो तो कमजोरियां प्रवेश करने लगती है, वैसे आश्रित का भी निष्ठा कमजोर होती है तो कमजोरियां उसमें प्रवेश करने लगती। निष्ठा का ध्यान रखना। मैं एक बात बनी घटना कहा करता हूं, आपने सुनी होगी, मैंने व्यासपीठ से भी कई बार कही है, कोई नई बात नहीं, फिर भी मेरा मन होता है कि मैं दोहराऊं कि निजामुद्दीन औलिया सो रहे थे, एक सूफी फकीर संत, उसका बहुत प्रधान शिष्यों में से शिष्य अमीर खुसरो, और कोई व्यक्ति सदगुरु के बहुत निकट आ, सदगुरु को कोई निकट दूर होता ही नहीं, लोग अपने आप निर्णय करते हैं कि हम बहुत क्लोज है, फला है फला है, बाकी इसके पास सबका क्लोजअप होता है। मैंने हरिंद्र भाई दवे को एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि सच्चा बुद्ध पुरुष के निकट कोई नहीं होता और वो किसी से कभी दूर नहीं होता। ये रहता होता है सबके बीच, लेकिन परछाई भी उसको भीड़ महसूस होती है, उसकी खुद की छाया उसको भीड़ की तरह महसूस होती है, रहता है सबके बीच में। तो कई लोग ईर्ष्या भी करते रहते थे, ये उसका बहुत अधिक प्यारा हो गया आदि आदि, ये तो होता है संसार में। वो मुस्कुरा के, वो मेरे सामने मुस्कुरा के गुजर गए, सीधा सीधा शेर सुनिएगा, वो मेरे सामने मुस्कुरा के गुजर गए तो कई खास दोस्तों के चेहरे उतर गए। वो मेरे सामने मुस्कुरा के गुजर, बेचारा देखा और हंसकर निकल गए तो कुछ खास दोस्तों के चेहरे उतर गए। अवरोध के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमारे ये सब आज से ही शुरू हो गए। अभी अभी मंगलाचरण तो करने दो, मैं मौका दूंगा, लेकिन ये मस्तों की प्रेम सभा है। कभी गोपाल दास नीरज ने गाया था, कभी नीरज ने, यहां संभल कर आना जी। तो मैं बाबा अब आपकी हाजिरी लग गई भगवान। तो आपका लाभ लूंगा बीच बीच में। तो कई लोग अमीर खुसरो से जरा द्वेष करते हैं, और अमीर के मन में भी कभी कभी ऐसा होने लगा कि मैं बहुत करीब हूं, ये भी तो बीमारी लग जाती है।
और बहुत करीब अपने आप को जब समझने लगते हैं कोई, तब करीबी दोष देखना शुरू कर देती है। क्योंकि बुद्ध पुरुष अपनी तरह खाता है, अपनी तरह अपनी तरह सोता है, अपनी तरह उठता है, और फिर करीबी लोगों को लगता है कि इसमें और मुझ में क्या फर्क है। एक बार निजामुद्दीन सोए थे और अमीर खुसरो चरण सेवा कर रहा था, और मन में कोई कीड़ा घुस गया था और उसके प्रत्येक क्षण के लिए कुछ गलत विचार आ गया। हो सकता है, इसमें कोई आलोचना नहीं है, हम इंसान हैं, इंसान। मुझे ये घटना बड़ी प्यारी लगती है। तो पैर दबा रहा था और मन में कुछ अपने गुरु के बारे में कुछ ऐसा ख्याल आया, खबर है, और बुद्ध पुरुष तो इतना अंतःकरण शुद्ध होता है कि जानना न चाहे तो भी जान लेते हैं। रुचि न हो कि मैं सबकी अंदर की बातें जानूं बुद्ध पुरुषों को, लेकिन आ जाए ऐसे महापुरुषों को। तो जैसे ही अमीर खुसरो के मन में कुछ ऐसा होने लगा, घटना कहती है निजामुद्दीन औलिया करवट बदल देते हैं, इधर बाएं करवट सोए थे तो ऐसे, और इतना ही बोलकर करवट बदली। अमीर बेटे करवट बदल दो, बस यही है सत्संग, यही है गुरु मंत्र। दोष नहीं निकाला कि तू क्या सोच रहा है, बेटे करवट बदल दो, और आंखें डबडबा गई अमीर कि मैंने क्या किया, मेरा ये साईं, मेरा ये मालिक, जो मेरा सब कुछ है, उसके बारे में मैंने ये सब सोच लिया। गुरु संकेत करते, कोई संकेत करने वाला चाहिए, 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 चाहिए। मेरे देश के ऋषियों ने गुरु शब्द का प्रयोग जब किया है, उपनिषदों में तो गुरु शब्द का ही प्रयोग आया है, सद्गुरु तो फिर शब्द लगाना पड़ा जब ऐसी परिस्थिति आई तो गुरु उपाय है, गुरु हमारा मार्ग भी बन जाता है। कवि काग का गुजराती में वाक्य है कि जगत ने बांध ना रहा वो प्रथम बिस्तर बनी जाजो, तमें तमें खुली जाजो, तमें पथराई जाजो, जगत ने बांध ना राओ प्रथम बिस्तर बनी जाजो, तो तमारा एज बंधन मां जगत आवीन बंधाशे। गुरु मार्ग है चलना, एक एक ये विचार है। गुरु माध्यम भी है, मंजिल भी है, साधन भी बन सकता है, लेकिन उसको गलत रूप में मत उपयोग में लेना, घाटे का सौदा हो जाएगा। गुरु उपाय है, ऐसे गुरु की वंदना मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने की। नेत्र पवित्र हुए और पूरा जगत वंदनीय बन गया, और पूरा वंदना प्रकरण आप जानते हैं, एक ही पंक्ति गा लेता हूं हर वक्त। सिया राम मयूर सब जय जानी।
मेरा ब्रह्मांड ब्रह्ममय है ये दृष्टि खुल गई गोस्वामी जी की गुरु चरण रज की कृपा से। सब वंदनीय वधु ब्रह्म रूप भास्यु और फिर गोस्वामी जी रामायण के पात्रों की वंदना करने लगे और करते 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 महावीर बिनवो हनुमान आराम जस जस आप प्रणव पवन कुमार खलमन पावक ज्ञान घन जास हृदय आर बसहिराम सरचार। श्री हनुमान जी की वंदना आप जानते हैं, बीच में ले आए और हनुमंत वंदना की। अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि हनुमान जी का आशय कोई भी धर्म हो, कोई भी तुम्हारे इष्ट हो, हनुमंत का आश्रय हमें अपने अपने इष्ट की ओर जाने में गति देता है, अधिक गति देता है। क्योंकि हनुमान जी को हमारे इष्ट देव को हटा करके आगे नहीं होना है, वो तो हमारे पीछे रहना चाहता है कि तुझे तेरे इष्ट की ओर में। पाछे पवन तनय सिरना, वो करीब करीब पीछे रहने का आदती है। तो हनुमंत तत्व के रूप में खासकर के युवान भाई बहनों को, तो क्योंकि हनुमान जी बुद्धि देते हैं, बल देते हैं, विद्या देते हैं, और ये आज की जरूरत है। तो श्री हनुमान जी महाराज की वंदना, और मेरी व्यासपीठ कई बार कह चुकी, बहन लोग भी कर सकती है वंदना, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, सुंदरकांड का पाठ कर सकती है, कोई पाबंदी जहाँ तक मेरी समझ है। कोई विशिष्ट पूजा विशिष्ट अनुष्ठान में हो तो वो नियम तो निभाना चाहिए, इसमें हम जिद क्यों करें। लेकिन बहन लोगों को हनुमान जी का चालीसा न करो न सुंदर, ऐसा ऐसा नहीं। अब तो नाटकों में बहन लोग हनुमान जी का पार्ट निभाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहन हनुमान बने, देश को जरूरत है। अरे कहाँ मैं कथा कर रहा था तो एक हनुमान जी, तो मैं जो कल्पना ही नहीं, मैंने उनके छोकरो ऐसे कौन हनुमान, तो फिर पता लगा कि ये तो एक स्कूल की लड़की हनुमान जी बनी थी। हाँ जरूर, कोई कोई वो नहीं है मेरी समझ में। और हनुमान जी की उपासना में ये सीधा साधा वो है हनुमान चालीसा, यदि आप कर सको तो करो, बस उसके बातें हैं, इतनी बार करो इतनी बार करो। लेकिन मैंने तो ये भी शर्त सब अब निकालने लगा हूँ कि जितनी बार आपसे हो करो, 111 बार हो, कभी शनिवार मौन रखकर या कभी शिवरात्रि को तो ठीक है, न हो तो कोई चिंता नहीं, खाली 11 बार करो। कभी भी काम करते करते, रसोई करते करते, जो घर में करते हो तो, जो जो अपनी प्रवृत्ति घर में होती हो इससे हम करते हो तो, ये करते करते भी हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सोने से पहले 11 बार हो जाए तो ठीक है, 11 न हो तो 9 बार, 7 बार, 5 बार, 3 बार, 1 बार, एक बार ना हो तो भी कोई बात नहीं, खाली हनुमान जी को स्मरण कर लो तो भी चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो करता है उसकी आलोचना न करना, जो करता है उसको करने दो बस, तुम ना करो तो कोई चिंता नहीं। बाकी साधकों का अनुभव है, हनुमंत तत्व का आश्रय करने से
प्राण बल बढ़ता है। हनुमान चालीसा में तो लिखा है तुम्हरे भजन राम को पावे, वहां तक का वचन है ये। हाँ साहब, भरोसा की बात है। तो श्री हनुमान जी महाराज की वंदना यहाँ की गई और फिर आगे भी वंदना है, फिर राम नाम महाराज की वंदना है, फिर कथा का धीरे 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 क्रम आगे बढ़ता है। तो पहले दिन जहाँ तक संभव होता है मैं हनुमान जी तक उसकी वंदना तक लिए चलता हूँ। तो आइए हनुमान जी की वंदना है तो एक दो मिनट के लिए विनय के पद के कुछ बंद। मंगल मूर्ति मारुत मंगल बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन्तिशाल ज्ञानिनामग्रहं सकलगुणनिधानं वानरामधीरं रघुपतिप्रियभक्तं वात जातकं नमामि प्रणव पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान जासु हृदय आगार बसहि राम सरसार। श्री हनुमान जी की वंदना के साथ नव दिवसीय राम कथा के पहले दिन की कथा को मैं विराम दे रहा हूँ। यहाँ से उठे इससे पूर्व एक दो मिनट मुझे दीजिए प्लीज भाव और अंदर से। तो हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम राम
संकट हरण। नौ दिवसीय इस राम कथा के प्रथम दिवस की राम कथा यहाँ विराम ले रही है। कल से रोज सुबह 9:30 बजे कथा का आरंभ होगा, तो कल सुबह 9:30 बजे फिर हम यहाँ इकट्ठे होंगे भगवत चर्चा के लिए। भाव से राम भगवान प्रिय हो बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो सदगुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये दर्शन आयुषदेव सुकरुण भारत रूप अहम वचन भगे देके स्तुति सादर रूपात दे कारण आयो सो समय दरस कवता एक परम पावन तव आसन भय संशय अब श्री राम कथा की पावन सदा सुख दुख कुंज सागर कात सुनावहु मोहि कार बार विनहु सुनत गरुड के गिरा विनीता सर्व प्रेम सुखद सुख भय उता सुमन परम उत्साह लाभ कहे रघुपति गुरु प्रथम यति अनुराग भवानी राम चरित सर कहे पुण्यारद कर मोह पारा कैसे बहुरि रावण प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब सिख चरित कैसे मन मा परम गमन कहे बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि रूप वचन राज रस भंगा पुरवा सिंह कर विरह दिशा कैसे राम रस मंगा गवन के वट अनुरागा सुन सभी प्रभु मिलन बखाना गवन नगर कुमर ना भरता गवन प्रेम बहुबल कर्म पत्रिया संग पुरवासी भरत कही रघुपति बहु विधि समुदाय में पाल अवध पुरवा भरत रहन सुर पति सुत करनी प्रभु अनुमति लाद बद गई विधि देह कदि सरभंग वर्ण सुति चर प्रीत कुनी प्रभु नंदक बन पावन ताई दीघ मय प्री पुन के गाई पुन प्रभु पंच बटी कृत वास वंदी सकल मुनि के तन पुन लक्ष मन उपदेश अनुपा सुपन धारी चिन फल गुण सन बद बहुर बखाना जिन सब मर्म बसाना दस कंधर मारिच बत करी जैन भरी सुधन कर पुन माया सीता कर हर मुखी अभी रगिरा पसुवा प्रभु गीत क्रिया जिन की
गिरा बनत रघुबीरा के निजर सरोवर नारद संवाद सही मार्ग मिलन प्रसूनी सुदेव मुदारी बालिकान कभी तुरंत कर प्रभु शैल प्रवर वर्णन वर्षा सर उतरे रघुपति रावण समर रावण बद मंदोदरी सोका राज संदेह अशोका सीता रघुपति मिलन गौरी सुनन कपि कपिल समेता अवध करे प्रभु पाली राम नगर निजलाए मारे सब चरित सब गौरी राम सेना पूर्वज महाराज बढ़ बता